सब कुछ सिखाने के लिए, सब कुछ बताने के लिए आ गया हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब देखो, आपको सबसे पहले हैजकैम 2 एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना होगा। इसका लिंक आपको मैं नहीं दे सकता, आप प्ले स्टोर पर सिंपली से यार सर्च मार सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा तो कष्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसको ओपन करते हैं हम, और फर्स्ट टाइम जब हम ओपन करके कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे हम भैया फ्लैश को ऑन करके दिखाते हैं आपको कैसे होती है, और फ्लैश क्लोज कैसे होती है, और ऑटोमेटिक मोड पे कैसे होती है। फिर यहाँ पे आपको, अगर आप बाहर शूट कर रहे हैं तो आपको 400 पे कर देना है, अगर मतलब लाइट कम है अगर तो 400 पे कर देना है, ठीक है ना। तो भैया मैं अभी यहाँ पे ऑटो पे रहने देता हूँ, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे कैमरा रिजोल्यूशन को सेलेक्ट कर सकते हो आप। इसमें आप देखो, ये इतनी स्क्रीन आ रही है ना, अब देखो ये कट गया, ये इतना कट गया, ये ऐसे ऐसे करके मतलब देखो, ये पूरी आधी से भी कम स्क्रीन आने लगी, ये और भी आधी स्क्रीन आने लगी। ये ऐसे ऐसे आप इसका रिजोल्यूशन कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। तो भैया इसको करने के बाद, ऐसा होने के बाद भैया देखो, अब यहाँ पे वाइट बैलेंस लिखा हुआ है, आपको इसे ऑटो पे ही रखना है, ठीक है ना। तो भैया सीन मोड को भी आपको ऑटो पे ही रखना है, ठीक है ना। फिर कलर इफेक्ट को भी आपको नन पे रखना है, ठीक है ना। इसको रखने के बाद अब देखो, सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पर फेस डिटेक्शन को आपको इनेबल कर देना है, ताकि आपका फेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो सके। तो भैया इसको करने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर फोटो सेटिंग्स में जाकर कैमरा रिजोल्यूशन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और तब तक मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे कैमरा रिजोल्यूशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपको लेफ़्ट साइड पे ही रखना है, लेफ़्ट साइड से अच्छा आएगा और राइट साइड से बेकार रहेगा, ठीक है ना। लेफ़्ट साइड पे रख के ओके पे क्लिक कर देना है। इमेज क्वालिटी आपको 100% रख देनी है, ताकि और भी अच्छी इमेज आए। ऑटो लेवल कुछ नहीं छेड़ना, इमेज फॉर्मेट JPEG रखना है, ठीक है ना। फिर अभी तो नॉइज रिडक्शन लिखना है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, और इसमें तो कुछ नहीं है, तो भैया इसमें कुछ नहीं है। अब आपको वीडियो सेटिंग्स में जाना है, ठीक है ना। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो एक कमेंट भी कर दो यार। फिर वीडियो रिजोल्यूशन पे आपको रखना है Full HD, ठीक है ना, ओके, ताकि आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी बन सके क्वालिटी में। फिर वीडियो फॉर्मेट में आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। फिर वीडियो स्टेबलाइजेशन को आपको इनेबल कर देना है, जैसे कि आप कोई व्लॉग वगैरह बना रहे हो तो वो ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है ना। फिर वीडियो बिटरेट, भैया जितना ज़्यादा बिटरेट होगा उतना ही ज़्यादा वीडियो की क्वालिटी बढ़ेगी, और उतना ही ज़्यादा वीडियो का साइज बढ़ेगा, और जितना कम बिटरेट होगा उतना ही कम वीडियो का साइज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा 50 ही रहने दो, ठीक है ना, 50 में अच्छा होता है। फिर भैया वीडियो फ्रेम रेट को आपको डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके 30 पे रहने देना है, और फिर ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका फ़ोन 60 सपोर्ट करता है 60 कर लो, 240 सपोर्ट करता है तो 240 कर लो। मेरा फ़ोन यहाँ पे 30 सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो इसको करने के बाद अब आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन पे क्लिक करना है, और इसको अनलिमिटेड ही रहने देना है, ठीक है ना। तो इसको करने के बाद अब ध्यान से देख लेना दोस्तों, मैक्सिमम फाइल साइज इसको आपको इस पर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट पे 1 GB तक सेलेक्ट कर लेना है, मतलब मैक्सिमम साइज आपका 1 GB तक हो सकता है, उसके बाद वीडियो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। रिकॉर्ड ऑडियो को आपको इनेबल कर देना है, अगर आप वॉइस ओवर वीडियो नहीं बना रहे हो तो, और अगर फेस कैम बना रहे हो तो ऑन कर देना। ऑडियो बिटरेट को आपको फुल कर देना है, बिल्कुल HD वाली क्वालिटी की ऑडियो आएगी, ठीक है ना। ऑडियो सैम्पल रेट को आपको 48K kHz कर देना है, ठीक है ना। इसको करने के बाद ऑडियो सोर्स को, अगर आप माइक लगाते हैं, मेरे से यूट्यूबर हैं तो आपको एक्सटर्नल माइक का यूज़ करना है, वरना नहीं वॉइस ओवर बनाते हो तो भैया कैम कोडर, ठीक है ना। एक्सटर्नल माइक पे सेलेक्ट करने के बाद ऑडियो चैनल्स को आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, वरना भैया वीडियो का नाश हो जाएगा। भैया आप देखो 4K क्वालिटी, अगर आपका फ़ोन 4K सपोर्ट करता है तो भैया इसको इनेबल कर दो, मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं करता है, अगर मैं करूँगा तब मेरा ये ऐप क्रैश हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है, आपका ऐप क्रैश हो जाएगा अगर आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। फिर भैया फ्लैश वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो को आपको इनेबल कर देना है, जब भी रिकॉर्डिंग होगी वीडियो की तब फ्लैश शुरू हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आएगी।
फिर फिल्टरिंग में जाके आपको नॉइस रिडक्शन को ऑन कर देना है अगर आपका ऑफ है तो। और ऑन करने के बाद आप देखो आपको क्या करना है, फाइल्स में जाना है और टाइम फॉर्मेट ये लिखा है ना, इसको क्लिक करके आपको लोकल टाइम पे सेलेक्ट कर लेना है। वैसे तो आपको पहले ही सेलेक्ट मिलेगा, कुछ कुछ फ़ोन में सेलेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसको करने के बाद यहाँ पर हमारी सभी सेटिंग्स कंप्लीट हो जाती है। मैं आपको यहाँ की सेटिंग्स कुछ बता देता हूँ। ये है भैया ऑडियो, वो ऑटो एडजस्टमेंट। अगर कहीं पे जैसे कि बहुत सारा चांद आ गया एकदम, बहुत कम अंधेरा सा हो गया एकदम, तो उसको ये लॉक कर देगा, हर जगह एक ही जैसा आएगा। और देखो अगर आप बाहर या फिर अंदर शूट करते हो तो आप इसे लाइट को बढ़ा या फिर घटा सकते हो। अगर आपके पास लाइट की शॉर्टेज है या फिर लाइट का कुछ ज़्यादा लाइट है तो उसको आपको कम भी कर सकते हो। फिर अगला है भैया आप इसकी सेल्फी मोड को इनेबल कर सकते हो, ये सेल्फी मोड इनेबल हो जाएगा। और फिर भैया ये सबसे लास्ट वाला जो है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टाइमर लग जाएगा 5 सेकेंड का। अगर आप टाइमर आपके पास कोई वो नहीं है कैमरामैन तो इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम इनेबल कर देंगे, यहाँ पे अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे अब जा वीडियो स्टेबलाइजेशन को आपको इनेबल ही रखने देना है, इसको आपको डिसेबल नहीं करना है। और यहाँ पे हम फ्लैश ऑन करके आपको दिखा देंगे कि अब देखो आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। और जब हम यहाँ पे एक शूट करके दिखा दूँगा आपको वीडियो कैसी बनेगी, देखो मेरा हाथ आ रहा है नहीं। और अब जब हमें लाइक करवाया, लाइक कर दो वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्या कर रहे हो अभी तक। और भैया इसको करने के बाद अब देखो क्या करना है, अब हम इसको सेव कर देंगे और आपको ये फोटो वाले सेक्शन पे जाना है और हम इसमें देख लेंगे हमारी वीडियो आ चुकी है रिकॉर्ड हुई हुई, ठीक है ना। तो हम इसको अब चला के देख लेते हैं। तो इसको चलाने के बाद ये फ़ोटो था और ये वीडियो, हम इसको डिलीट कर देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यार तब तक लाइक कर दो, किसने लाइक नहीं किया तो चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी लाइक कर देना, मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।